सोसाइटी में फ्लैट कितने का है? एक बुक करके जाते हैं। रहन तो छोड़ो, मैं दिल्ली में ले लूंगा। जिम जाना कैंसिल कर दिया, इसके पास कार्ड ही नहीं था जिम का। ये क्या है? पत्थर है, रस्सी से टंगा हुआ है भाई, वो खड़ा है। गरम बहुत है है ना? अच्छा बंद करो, आगे समझ मेरे को। फाइनली मुंबई में, और इंटरनेशनल ट्रिप आई अभी मारेंगे नहीं, क्योंकि सारे अभी वीजा उजा नहीं लगाएंगे, दे नहीं रहा मेरे को ना, यूएस का वीजा दे रहा है, क्या कहते हैं उसका प्रेसिडेंट है, ना न्यूजीलैंड का दे रहा है, और मैं आया मुंबई का हूँ। ओके मांची के पास, इनको आपने देखा नहीं होगा, मेरी बहुत ओल्ड फ्रेंड है, 4 साल ओल्ड फ्रेंड। हाँ बुड्ढी हो गई हूँ मैं गाइस। नहीं मतलब 4 साल मिले करते थे लास्ट। अरे जब हाँ टिकटॉक के टाइम पे मिले थे, अभी मैं टिकटॉक के टाइम पे, हाँ सॉन्ग शूट जब हुआ था एक ना, सॉन्ग शूट पे मिले थे, मुझे याद है ना। वैसे मैंने आपका नाम ना इसी रखा हुआ है, जब टिकटॉक के टाइम पे वैसे हम प्रॉपर मिले थे, हिमांशी टिकटॉक सही रखा हुआ है। सो कल हमारा है, कल है, कल मैं आया इसलिए वैसे मेन पर्पस के लिए हूँ, जो कल है वो मैं आपको अभी तो बता नहीं सकता, कल ही बताऊँगा। ओके और बहुत देर लग रही है, गोभी वाले पराठे बन रहे हैं। क्यों तो बहुत पतली हो गए हो, अब और कितना हो गए? ओह माय गॉड, मेरे सर ने बोला पतली सुपड़ी काकड़ी बनकर भाई। मैं ना मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला, टर्मिनल 2 एयरपोर्ट इतना प्यारा था, देखो निकल तो सॉरी गर्म हवा का झोंका है, मतलब वाह ये क्या सीन है। वहाँ से मैं यहाँ से आया हूँ 1 घंटा 1.25 घंटे की ड्राइव करके, मैं बस सोते हुए आया हूँ। और पिछले ब्लॉग में देखो ड्राइवर से मैंने पूछा भैया मैं कितना सोया, कहता भैया पूरे रास्ते सोते ही आए हो। बड़ा मस्त था, सोसाइटी भी बड़ी प्यारी है, अभी आपको पूरी सोसाइटी घूमेंगे, मैं चेंज कर दूंगा भाई, अलावा के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट घुमा दूंगी बस, फिर हम एक्सरसाइज भी करने जाएंगे। हाँ एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। यस ये है यहाँ का कासा रियो क्लब। अच्छा यार सोसाइटी में फ्लैट कितने का है? एक बुक करके जाते हैं। रहन तो छोड़ो, मैं दिल्ली में ले लूँगा। नो वी आर नॉट गरीब, नो रहन दो, गरीब गाइस भाई ऑटो या जो भी बोलो मस्त है। और इतने आपने जैसे रूल रेगुलेशन करे है ना, इसे पार यहाँ से इधर उधर से भाई क्रॉसिंग जो रहा है, मैंने जिंदगी में नहीं कभी करे कसम से, मैं तो डायरेक्ट आ जाऊँ रोड से इधर वालों को, दिल्ली में जैसे जीते वैसे जीना सिखा दूं भाई। यहाँ से पहले जेब्रा क्रॉस किया है, फिर उसके फिर जेब्रा क्रॉसिंग, फिर यहाँ से करा है, वाह गुड इंटेलिजेंट। ओए हाय मोटी और नहीं लग रही मोटे आप, अरे यार कोई बात नहीं, होता होता है। पलावा की ना सबसे बेस्ट बिल्डिंग के सामने से जा रहे हैं, एक्सोटिका सबसे एक्सपेंसिव घर मिलता है। हाँ दिख गया मेरे को, जो जो शीशे लगे हुए हैं ना, है ना? आगे समझ मेरे को। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। वो भाई तो ये सिंपल सी बात है, मतलब हर चीज है यहाँ पर, हर चीज आपको सोसाइटी के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। ओके बस मॉल के लिए ना थोड़ा सा बाहर जाएं। और क्या कहते हैं, गाड़ी चाहिए, गाड़ी कौन चाहिए, जिस जो कौन सी शूट करनी है, देखो MG थार सब खड़ी है, आए दिन कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है, आए दिन शूट करते रहो। BMW सब खड़ी है, सब खड़ी है, टेंशन नहीं लेना भाई, आप सोसाइटी से बाहर ही निकलोगे। इन्वेस्ट करना हो प्रो का नंबर मैं नीचे दे दूँगा, मतलब मेरा नंबर मैं नीचे दे दूंगा, मुझे कॉल करना ठीक है। और एक्जॉटिक में बिल्डिंग चाहिए होगी तो जरूर मुझे ही कॉल करना, नहीं नहीं मैं नंबर दे दूंगा उससे करना। कासा बेला मतलब जैसा हमारा कासरियो गोल्ड है, हाँ वैसे ही कासरियो कासा बेला है, रियो नहीं कासा बेला। इधर आ जा,
पता लगे बोलते बोलते अभी उड़ूंगी नहीं मैं, टेंशन हो गया। जगह प्यारी है लेकिन ऐसे नहीं लग रहा जैसे साउथ एक्स हो हमारा, है ना? नहीं भाई पढ़ चुका हूँ मैं, हर बंदा मेरे को पता नहीं स्कूल भेजने में लगा तुला हुआ है सीरियसली। सो गाइस आप लोगों को पता ही है क्या चलती है यहाँ पे, बस चलती है सिर्फ पलावा के अंदर जाने का, वो भी फ्री। मैं कहता हूँ ऐसा लग रहा है दुबई, दुबई तो नहीं यार, दुबई नहीं कंपेयर करना, दुबई रात को लगेगा ये पक्का पक्का। चलो यार हम फ्री है भाई, हम आते रहेंगे। मैं ये कह रहा था मैं अपना पर्स भूल गया, रूबी बुआ ने दिया नहीं तो मेरे को वो लेना है क्योंकि मेरे कल के आउटफिट के साथ मैच होना चाहिए। अब पहन के उसको मेरे को लड़कियों वाली आदत नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ जिंदगी में, क्यों पहनना ना पहनूँ नहीं, अगर अच्छा लगूँगा सजेस्ट करना ना, अगर अच्छा लगूँगा तो पहनूंगा, नहीं अच्छा लगूँगा तो और दूंगा, कोई शौक नहीं है मेरे को ऐसे पहनने का। लेट्स गो, मैं फाइनली आ गया, मैं यहाँ से शॉपिंग करने वाला था पर मैंने करी नहीं, क्यों नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा मिला ही नहीं H&M से, बॉयज का कुछ है ही नहीं अच्छा अभी देखा है नहीं। यार मैं ना विकासपुरी कह रहा हूँ, लड़की होगी उस पे मिलेगी तुम्हें, यार मेरे को लड़की बोल बोल के ना लेने नहीं देंगे ये। लेट्स सी यार, बहुत बहुत मोटी है, इतनी मोटी नहीं चाहिए, निकाल दूंगी मैं बीच में से। आ, 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 पूरा का पूरा ही नहीं यार, कुछ ज्यादा पतली है, वो हद है, तुम ड्रामा ही नहीं है। ये देखो बहुत मोटी है, और मेरे को ऐसी नहीं चाहिए, मेरे को पीछे से कौन सा वो होता है, ये तो फुल्ली फुल्ली की फुल्ली गर्लिश है भाई, पीछे से पूरा वो है चैन है थोड़ा, पीछे से जरा होता है ना जो सर घुमा घुमा के वो कर दे रहे हैं बंद, सोने लग रहे हो। हाँ वधिया, कटवाए क्यों, रब ने इन्ने अच्छे बाल दिंदे ने, पता नहीं कुड़ियां कटा क्यों दिंदियां ने, ठीक है कटाने नहीं चाहिए बाल। सो गाइस हम गाड़ी में बैठ के आराम से चिलुल कर रहे थे और गाड़ी वॉश हो रही थी क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, हिमांशी का एक फ्रेंड था तो उसके साथ हम मुंबई दर्शन के लिए निकले थे थोड़ा सा आसपास घूमने फिरने, ओके क्योंकि अभी हमने कुछ खाना भी था, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और फ्लेक्स करते हुए वो कह रहे हैं कि भाई कॉपी राइट आ जाएगा भाई, मुंबई आए और सेम नहीं पानी पूरी ना खाए तो यार क्या फ़ायदा भाई, हमारा वैसे भी शूट परसों है तो आज हम खा सकते हैं, कल नहीं खाएंगे, नहीं परसों नहीं खाएंगे सॉरी। पानी इतना वो है ये वाला, है ना तिखा, यहाँ का पानी पूरी तो स्वाद नहीं था। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो मानशी के जो फ्रेंड है, ओके बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि शाम को मिलती है, क्या था, एक तो मैं थक इतना गया हूँ, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, जहाँ से रख रहा हूँ वहाँ सो जा रहा हूँ, तभी मैं ऐसे बैठा हूँ। हाँ वड़ा पाव शाम को खाने जाएंगे, वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट होता है कह रही है, ओके सो उसका भी एक आपको रिव्यू बताऊंगा, वड़ा पाव कहाँ का स्वाद होता है, ओके यहाँ की पानी पूरी तो स्वाद नहीं थी, तो अभी हम जा रहे हैं वापस, ओके अभी हम नवी मुंबई आए थे, अभी हम दोबारा जाएंगे और सारे बाहर गए, मैं गाड़ी में हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, तो अभी बस वड़ा पाव खा के वड़ा पाव का रिव्यू देके फिर ये वाला ब्लॉग इधर ही एंड कर देंगे, ओके फिर सुबह कल जाना है बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जिसके लिए मैं आया हूँ स्पेशली, सो कल का आउटफिट मिस मत करना, ओके सो अभी फटाफट पहले वड़ा पाव खाते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये क्या पत्थर है रस्सी से टंगा हुआ है भाई, वो खड़ा है मतलब असली थोड़ी होगा, थर्माकोल को नहीं है, नहीं थर्माकोल का नहीं होगा, वो लोहे का बना हुआ है, पहले मैंने भी जब मैंने देखा तो मैंने से ही बोला था इसने लो, ओ क्या बात है, अच्छा आर्ट है भाई जो भी है। तो गाइस फाइनली हम आ गए पाव वड़ा पाव खाने, गर्मा गर्म तल रही बन रही है, फिर मैं आपको रिव्यू बताता हूँ कैसा है।
थके यार, बहुत थके भाई। जहाँ सिर रखता हूँ वहाँ मैं सो जा रहा हूँ आज। सो गाइस फाइनली टेस्ट करते हैं। गरम मेरे तो एल लग गए, गरम बहुत है। अरे बाप, ताई जाजी निकला था। ओ भाई बड़ा भाई ले लिया, बहुत बड़ा लिया था भाई। सीधा मिर्च जरूर खाना भाई, तंग आ जाएगा। हार्ट अटैक थी भाई। ओए मिर्च इतनी हॉट थी फिर। एंड लेवल भाई, कौन सी जगह ये? वाशी। वाशी भाई, वाशी जाके जरूर खाना, वो भी यार है। नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई से वाशी मैं आके जरूर खाना भाई। यहाँ के बहुत सेक्सी है, बहुत ज्यादा स्वाद है कसम से। और ये ना टिकटॉक पॉइंट डिंगडोंग ये यहाँ का दिल्ली आर्ट है। हाँ। जैसे दिल्ली में दिल्ली आर्ट है, ये यहाँ का दिल्ली आर्ट है। यहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं बनाने। इन्फ्लुएंसर्स नहीं, टिकटॉकर्स आते थे। टिकटॉकर्स आते थे, अब तो वो आज इन्फ्लुएंसर ही है ना। हाँ ये भी है, बहुत स्वाद है, मैं एंजॉय करता हूँ। और इसका रिव्यू तो आपको मैंने दे दिया, सो अब डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। बाकी लिंक नीचे वीडियो में जाके देख। सो गाइस अब जा रही है जिम। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आप कहीं भी जाओ एक्सरसाइज को स्किप मत किया करो। सो आज मैं चेस्ट मारूंगा। ओके सो आपको मैं चेस्ट का अपना वर्कआउट सेक्शन भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम जाने मूवी देखने, प्लान तो यही है। ओके सो फटाफट चलते हैं जिम। मतलब जो सोसाइटी है तेरे यहाँ का जिम बहुत ज़्यादा मस्त है, क्लब कहते हैं इसको वहाँ पर। ओके सो जाके देखते हैं जिम कैसा है और इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय के मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फुल हार्ड वर्कआउट एंड माई आउटफिट। सो लेट्स गो। बस यहाँ ना सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, वो जस्ट वॉच नहीं लिखा हुआ हिंदी में, ये तक जस्ट वॉच नहीं लिखा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। तुरंत देखे ये हो सकता है जस्ट वॉच का। कोलारा का सॉरी, ओके कलर बार, ये भी हिंदी में लिखा हुआ है। जॉकी भाई H&M भी लिखा हुआ है हिंदी में, चेक करो यार H&M। वाओ स्टारबक्स भी हिंदी में लिखा हुआ है, सब कुछ हिंदी में। जिम जाना कैंसिल कर दिया, इसके पास कार्ड ही नहीं था जिम का। यस सुबह 8 बजे चलो खेलते हैं। बस देखती हूँ किसमें आता है। सो गाइस अब जा रहे हैं शैतान मूवी देखने। जिम गए नहीं कोई ना, लेकिन कल सुबह जिम जरूर जाएंगे। और कल हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, कल हम रहेंगे मुंबई में। यस कल हम रहेंगे मुंबई में गोरेगांव। फाइनली कल हम रहेंगे गोरेगांव। अभी हमने जस्ट होटल बुक करा, बहुत प्यारा होटल है, लग तो रहा था फोटो पता नहीं मारेंगे पता लगेगा। लेट्स गो। ओह वाओ खाली, यहाँ कोई मूवी देखने नहीं आता क्या? अरे मेरे दांत मत ले लेना। शैतान का अगर मैं रिव्यू दूँ, बहुत ही सेक्सी मूवी है कसम से, बहुत ज़्यादा सेक्सी मूवी। एक बार जाके जरूर देख के आना शैतान मूवी भाई साहब, क्या मूवी बनाई है, एंड लेवल कसम से एंड लेवल। सो अब मैं जा रहा हूँ सोने, थक चुका हूँ सुबह, मुझे 5:30 बजे उठना है। ओके वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद मुझे तैयार होना है क्योंकि कल इम्पॉर्टेंट डे है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आएगा।
ओके मतलब नेक्स्ट ब्लॉग इसी के आएगा कि मैं 15 तारीख को आया किस लिए हूँ। ओके सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, लाइक शेयर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब बटन दबाना किसी का, और गाइस मुंबई बहुत ही सेक्सी है तो कमेंट सेक्शन में। और हाँ अभी मैं ना ऑटो में, मुझे तीनों भैया की बात समझ नहीं आ रही थी, तो अगर किसी को समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा मुझे बताना क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं वो। बाय बाय, गुड नाइट।